नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्चिक्स भाई की तरफ से, पहले क्या आया था अंडा या मुर्गी? पहले ये वीडियो आया लाइक कर दो तुम जल्दी से, पहले सब्सक्राइब कर दो, मैंने बोला नहीं है दोनों पार्ट में, जल्दी से लाइक सब्सक्राइब करो भाई। तो गाइज वेलकम बैक टू पार्ट टू। मैं फर्स्ट पार्ट वाला इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा फिर से, तो डायरेक्ट शुरू करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पार्ट टू का फर्स्ट क्वेश्चन है भार्गव 9023 की तरफ से, तुम लहसुन हो क्या भाई? कोई शक? ठीक है, मतलब हो गया, चलो बढ़िया है, ओके। मतलब यार इसमें क्या पूछने का भाई, ठीक है सब, मैं भी हूँ आप भी हो, भाई भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सागर जे पटेल की तरफ से, व्हाट्स आफ्टर टच इन क्रिकेट 22? थोड़ा सबर करो, ट्यूटोरियल बनाएंगे, अभी तो मेरे ही लगे पड़े हैं। बाकी आफ्टर टच वही यार, क्रिकेट 19 में जो था ना वो लेफ्ट स्टिक से जो अपन लाइन एडजस्ट करते थे उस टाइप का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शार 2512 की तरफ से, फेवरेट प्लेयर फ्रॉम दिल्ली कैपिटल्स? एक तो नहीं है वैसे, बट एक अगर चूज करना है सो आई विल गो फॉर शिखर धवन, माई ऑल टाइम फेवरेट ओपनर भाई, मेरे को काफ़ी पसंद है उनकी बैटिंग। तो और बाकी की भी करना है तो श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत भी बढ़िया है, बाकी कोई रह गया तो सॉरी है, बट ये तीन ही मुझे याद आते हैं जब मैं दिल्ली कैपिटल्स की बात करता हूँ। और इंडियंस ही है अभी, बाकी रबाड़ा भी अच्छा लगता है वैसे, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ टॉप थ्री यही रहेंगे मेरे। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम उज्ज्वल वर्मा 18, सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है? ये तो बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है यार, डर तो लगता है भाई मुझे, थोड़ा हाइट से डर लगता है वैसे, बाकी अब इसका प्रॉपर जवाब तो अब मैं कैसे दूं मुझे समझ नहीं पड़ रहा यार। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम लिखित अंडरस्कोर राहुल, व्हाई डोंट यू रिप्लाई ब्रो? आई डोंट थिंक सच एन एटीट्यूड वर्क्स फॉर अ पर्सन, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। एंड भाई मैं इसका क्या जवाब दूँ, मैं आपको, मैं किसी दिन ना लाइव स्ट्रीम पर या कोई वीडियो में कभी दिखाऊंगा मेरे इंस्टाग्राम पर कितनी रिक्वेस्ट पड़ी है, अराउंड मोर देन 1700 प्लस रिक्वेस्ट पड़ी है जिनको मैं रिप्लाई भी नहीं कर सकता भाई, एक साथ बैठूंगा तो भी मेरे को 2-3 महीने लग जाएंगे। और मैंने एक दिन, एक फ्राइडे मैंने ट्राई किया कि मैं थोड़ा रिप्लाई करता हूँ, आई रिप्लाई टू अराउंड 200 पीपल, तो उन लोग के वापस रिप्लाई आए, तो मैं उनको वापस रिप्लाई करने में ही पूरा टाइम निकल गया। और उसके बाद अभी भी मैं थोड़ा बहुत कर रहा हूँ, तो कभी कर पाया तो आई विल डेफिनेटली। एंड बाकी कोई अगर नहीं करता रिप्लाई तो कभी समझा करो, हर बात में ईगो नहीं होता, हम में ना कभी ईगो था, ना कभी है, ना कभी रहेगा, तो टेंशन ना लो। और अगर आपको फिर भी बात करनी है, मैं स्ट्रीम पे ही बोलता हूँ, इंस्टा से बढ़िया डिस्कॉर्ड है, मुझे डिस्कॉर्ड पे डीएम करो, मेरा डिस्कॉर्ड हमेशा खुला रहता है, किसी बंदे को पूछ लो मैंने आज तक उसको डिस्कॉर्ड पे नहीं रिप्लाई किया तो बता दो भाई, ईगो रखने का ही नहीं और रहेगा भी नहीं, टेंशन ना लो, आप करो डिस्कॉर्ड पे, कल ही आपको ऑन टाइम रिप्लाई मिल जाएगा भाई, कर दो जरा, ठीक है? तो थोड़ा सोचा करो भाई ईगो वाली बात बोलने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिषेक भाई की तरफ से, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन 2 new IPL टीम्स? मतलब ठीक है मैंने गलत पढ़ लिया उल्टा, लेकिन ठीक है सेम चीज पूछी है, काफी अच्छा लगा यार, अहमदाबाद की टीम है, फ्रॉम वेयर आई बिलोंग, तो देखो यार मजा तो आने वाला है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेक्टर्स बिग फैन, ये स्पेक्टर्स के कोई बिग फैन है, उन्होंने यही नाम रखा है, व्हाट इज योर एम इन स्कूल है, व्हाट इज योर एम इन स्कूल है, जब बड़ा होगा तो यही बनूंगा, इज इट यूट्यूब इज योर फुल टाइम जॉब? भाई थोड़ा ढंग से लिख लेते, लेकिन ठीक है मैं समझ रहा हूँ कि स्कूल में क्या था, तो मेरा बचपन से ये था मुझे साइंस लेना है एंड मुझे फॉरेंसिक में जाना था, मतलब डॉक्टर बनना था, तो बाद में मैंने 9th की साइंस देखी और मेरी फटली, मैंने कॉमर्स ले ली और चुपचाप मैंने गेमिंग तो मैं करता ही था, फिर मैंने 12th के बाद यूट्यूब शुरू कर लिया एंड आज मैं फुल टाइम लिया हूँ, अब देखते हैं क्या होता है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है बट संतोष सांतु 569 इन्होंने कहा है, आपके 152 के सब्सक्राइबर्स हो गए, इट्स पार्टी टाइम, आ जाओ सर तो भाई पक्का मिलेंगे और पार्टी भी करेंगे यार, कोई टेंशन नहीं है, थैंक यू बाय द वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिश 13 भाई की तरफ से, योर फेवरेट क्रिकेट प्लेयर? आप मतलब रेगुलर ही नहीं हो चैनल पे भाई साहब, किंग कोहली ऑलवेज ब्रो, किंग कोहली हमारे लिए क्रिकेट की डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलिवर मेसी रोनी 10050 पर नंबर ही लिख देते, मतलब ठीक है ब्रो, आपको BGMI में चैलेंज देना चाहता हूँ, ID कबीर खालिद ओम। पहले मैं BGMI यहाँ पे एक्सेस कैसे करूँ? अगर आप मुझे यहाँ पे BGMI खेलने दे सकते हो आई विल डेफिनेटली एक्सेप्ट योर चैलेंज, यहाँ पे मैं BGMI कैसे खेलूँ बताओ? नहीं बताओ यार, चैलेंज की क्या बात है, बताओ मैं कैसे खेलूँ पहले। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम पार्थ 2603, क्या आपका कोई भाई या बहन है? यस कजिन्स तो बहुत हैं और बाकी एक मेरी रियल एल्डर सिस्टर है जो मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करती है एंड काफ़ी ज़्यादा किया है यूट्यूब में भी सपोर्ट, तो शी इज लाइक ए टीचर टू मी। एंड बाकी चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर अननोन 1984 की तरफ से, विच एंड ऑल यूट्यूबर यू फॉलो एंड सब्सक्राइब? भाई इतनी बड़ी लिस्ट है ना सारा भाई बता ही नहीं सकता, मतलब मेरे को भी नहीं, मैं कोई नाम लेने को ले तब भी नहीं पढ़ पाऊँ कितने चैनल सब्सक्राइब्ड हैं और कितने मैं देखता हूँ, और जो कि मैंने बताया हर जॉनर के लिए अलग यूट्यूबर है,
मेरा फेवरेट या थोड़े हैं फेवरेट्स, तो मैं देखता हूँ तो बहुत सारे हैं भाई, ये तो मैं कभी किसी दिन या तो स्ट्रीम पे दिखा सकता हूँ। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्श पराशर 18 भाई की तरफ से, योर फेवरेट फूड। भाई ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है क्योंकि बहुत कुछ पसंद है। जरा एक बार ये बताओ नेक्स्ट क्यू एन ए के लिए कि फास्ट फूड पूछ रहे हो, मेन कोर्स पूछ रहे हो, या किस चीज़ में पूछ रहे हो। माइक हाथ लग गया वो चलेगा, थोड़ा इग्नोर करना वो पूछो, मैं समझा नहीं कि हर चीज़ में अलग अलग चीज़ मुझे पसंद है। वैसे वैसे अगर टॉप ऑफ द टेबल, हेड ऑफ द टेबल है तो फिर वो पिज्ज़ा ही होगी, मोस्टली लोगों को पसंद है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रणय सरीन 134, व्हाट डू यू सी योरसेल्फ डूइंग एक्सेप्ट यूट्यूब। वैसे यार यूट्यूब क्यों नहीं करूँ यार, मतलब क्यों नहीं करूँगा, ये भी है अगर तुम्हारा सपोर्ट बना रहा तो ऐसे ही करते रहेंगे यार। एंड मन तो ये यूट्यूब पे ही करना है, फुल टाइम यूट्यूब अभी तो लिया है, अब देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में। और अगर नहीं किया तो वही 9 to 5 जॉब, फिर बाद में 7 to 10 स्ट्रीम, क्योंकि मैं यूट्यूब छोड़ूंगा तो कभी नहीं। ऑल दो अगर मुझे कभी जॉब करनी पड़ी सो आई वॉन्ट मेक कॉन्टेंट, बट स्ट्रीम ज़रूर करेंगे भाई, मज़ा आएगा ज़िंदगी। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम श्रफाए 6, सॉरी अगर ये तो मुझे लग रहा है मैंने गलत ही पढ़ा है, बाकी पता नहीं। दुबई क्यों शिफ्ट हुए और फाइनेंशियल सपोर्ट कौन कर रहा है। दुबई क्यों शिफ्ट हुए उन्होंने बताया फैमिली के लिए, मतलब फैमिली यहाँ रहती थी, तो वो मैं पहले ही जवाब दे चुका हूँ फर्स्ट पार्ट में। एंड फाइनेंशियल सपोर्ट यार मैं खुद का खर्चा खुद निकाल लेता हूँ, जो मुझे लेना होता है और जो भी रहता है खर्चा मैं मेरा खुद का निकाल लेता हूँ। बाकी मेरे ऐसे घर में प्रॉब्लम नहीं है, दीदी पापा मम्मी सब सपोर्ट करते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम अक्षत पांडे, इनका क्वेश्चन का रिप्लाई मैं बहुत बार दे चुका हूँ। इंस्पिरेशन क्रिकेट का ही पूछ रहे हैं, तो वही 23 एंड क्रिकेट 19 तो मैंने डे वन से खेला है, मतलब मैं क्रिकेट गेम्स पहले से ही खेलता था, मैंने बताया है वही सेम है। मैंने बोला तब भी इनका नाम आ जाएगा तो भी अच्छा लगेगा कितने लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम कार्तिक, क्रिकेट के अलावा और कौन सा गेम के लिए आगे डेडिकेटेड कॉन्टेंट बनाएंगे। बना तो अभी भी बहुत सारे गेम के लिए डेडिकेटेड कॉन्टेंट, लेकिन वही बात है क्रिकेट खेलना काफ़ी पसंद है। जैसे राइट नाउ आई एम एंजॉइंग BBL, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे खेलने में, तो रेगुलर वीडियोज़ आ रही है, चाहे मेहनत ज़्यादा हो रही है लेकिन मज़ा आ रहा है तो कर रहे हैं। बाकी फ्यूचर में कोई गेम देखें तो यार पता नहीं, आने दो, मैंने सब ट्राई किया, GTA ट्रिलॉजी एवरी गेम, यार तुम चेक कर सकते हो मेरे दोनों ही चैनल जाके, बाकी आर के ब्रो भी कोई जो भी खेलता है देख सकते हो, सब ट्राई कर चुके हैं हम। बाकी डेडिकेटेड कॉन्टेंट या टाइम की भी बात है ना, मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा, आई हैव टू मैनेज आर के अनप्लग्ड एज वेल इधर भी, तो उस वजह से। बाकी हाँ देखते हैं कोई बनता है तो पता चल ही जाएगा तुमको, फीफा भी ट्राई किया था तो करेंगे कुछ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम सुमुखा, इनका नाम भी पूरा नहीं आया इसमें, ठीक है। क्रिकेट 22 और क्रिकेट 19 जॉइन बेस्ट प्लेइंग एक्सपीरियंस। राइट नाउ आई एम एंजॉइंग क्रिकेट 22 क्योंकि आई लाइक द लेटेस्ट गेम्स, हम लोग को पता ही है तो गेम अच्छा हो जाएगा, बग्स की वजह से लोग गाली दे रहे हैं, लेकिन इसमें जो फिजिक्स है ना भाई 19 में जिंदगी में नहीं आया कभी और ना ही आएंगे अब तो, क्योंकि 22 आ चुका है, तो 22 डेफिनेटली इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कूल ऋत्विक, क्रिकेट 22 का क्रैक वर्जन कब आएगा। यार मैं सोच रहा था एक वीडियो बनाने को कि लोग क्रैक ना करें, एक अच्छा इनिशिएटिव लो, गेम खेलना है खरीदो, नहीं खरीद सकते 6 महीने तक पॉकेट मनी बचाओ और गेम खरीदो। भाई क्रैक करने से डेवलपर्स को कितना नुकसान होता है, दे वोंट बी मेकिंग न्यू गेम्स फ्रॉम नाउ ऑन। अगर अभी क्रैक हो गया तो उन लोग ने पहले ही बोला है PC पे नहीं आएंगे न्यू गेम्स, फिर कॉन्सोल पे आएंगे, फिर खरीदोगे भाई 4,000 गेम। ये बोल रहा हूँ भाई क्रैक मत करो, परचेज करो, या नहीं कर सकते तब तक पैसे बचाओ, हमारी स्ट्रीम देखो भाई, फुल तुमको इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता ही है। एक और क्वेश्चन से रिलेटेड, प्रथम भाई का, क्रिकेट 22 फ्री डाउनलोड। भाई यार मैं कैसे समझाऊँ यार, फ्री नहीं है भाई गेम, क्रैक का वेट मत करो, नहीं आएगा और नहीं आना चाहिए, आएगा तो यार फिर मैं क्या बोलूँ भाई, मतलब क्या बोलूँ, नंबर वन मतलब ठीक है चलेगा, समझ गए होंगे लोग जिन्होंने इंस्टा पे मीम देखा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम यश देसाई 20, व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन एंड मोटिव बिहाइंड परसुइंग यूट्यूब एज ए करियर। इंस्पिरेशन तो मैंने बता दिया एंड मोटिव था कि यार बस कॉन्टेंट बनाना है अपने मन, मतलब मज़े के लिए स्ट्रीम करनी है। मैंने यूट्यूब शुरू ही ऐसे किया था, मैं मेरे दोस्तों के साथ खेलता था वही स्ट्रीम करता था एंड कंटेंट बनाता था मैं, करियर मोड मुझे खेलने में बहुत मज़ा आता था एंड थोड़ी बहुत लीग्स भी, तो मैंने ऐसे ही शुरू किया था। एंड मोटिव यार हाथ पैर से लग गया इस पर, हाँ मोटिव तो यही था कि कुछ हो जाए, थोड़ा बहुत लोग पहचानने लगे, अच्छा लगेगा लोगों को, अच्छा लगेगा देखेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, इतना अच्छा हो गया, मतलब समझ गए। आई थिंक यू गॉट योर आंसर एंड सॉरी थोड़ा घुमा फिरा के जलेबी आंसर चलेगा लेकिन। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अग्रवाल सार्थक, आई हैव परचेस क्रिकेट 22 बट नॉट एबल टू प्ले, कैन यू मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू बैट डिफरेंट BLL। ये पूरा दिख नहीं रहा है, आगे आया नहीं है, तो भाई थोड़ा सबर करो मुझे भी सीखने दो, मेरे खुद के लगे पड़े हैं थोड़ा, फिर ट्यूटोरियल आएगा ना यार अपने चैनल पे, पूरे कम्युनिटी में तुमको ट्यूटोरियल कहाँ मिलता है, अपने चैनल पे 19 में मिला था 22 में भी आएगा, टेंशन ना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम दक्ष सहारे, 10th में कितने परसेंट आए थे।
आई गॉट 66% एंड आई थिंक 78% थे. अब तुम लोग क्या होता है कि नहीं, गुजरात में ये चलता है. एंड मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तब आई थिंक 79 पे फर्स्ट रैंक आया था. उस टाइम पेपर्स का कुछ इशू था तो मेरे 66% मुझे परसेंटाइल काफ़ी अच्छा मिला था. तो मुझे दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास तो था ही और मेरे घर वालों को भी नहीं, तो परसेंट ठीक है. आई एम नॉट दैट गुड एट स्टडीज़, मतलब मैं डिसेंट था एंड कॉलेज में जाके थोड़ा ज़्यादा मन हो गया था पढ़ाई का, तो वो कभी और बात करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम OPG7835. भाई क्वेश्चन पूछने के लिए अकाउंट बनाया क्या, खाली कोई प्रोफाइल मतलब ठीक है. व्हाई डू यू नॉट प्ले एंड्रॉयड क्रिकेट गेम्स? यार मेरे को पहले से ही, मतलब मैं बहुत खेलता था पहले, मैंने सारे प्ले स्टोर पे जितने थे ना एक टाइम पे क्रिकेट गेम्स मैंने सब खेल रखे हैं, ठीक है. टेंथ से पहले, मतलब जब मेरे पास PS2 था मैं क्रिकेट 7 और ब्रायन लारा खेलता था, तो साथ में मैं ये सब खेलता था. PS4 लेने के बाद मैंने कभी नहीं खेला, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा डिफरेंट, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट फीलिंग है यार खेलने में कॉन्सोल PC के उसके बाद मोबाइल, मतलब मज़ा नहीं आया इतना मुझे. तब भी मेरे आईपैड में रियल क्रिकेट 20 हमेशा रहता है. जब भी मैं फ्लाइट या कहीं बाहर जाता हूँ, सो आई एम यूज टू प्ले दैट, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. बाकी स्ट्रीम नहीं करता मैं यूजुअली यार वो. टोल बॉय 226 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता कब आओगे सर? आप बुलाओ, आप कब बुला रहे हो, आते हैं यार मिलने, फिर से माइक पे हाथ लग गया, सॉरी यार तुम्हारे कानों का. ठीक है यार सोल बॉय, आप बुलाओ, हम आते हैं कोलकाता पक्का. तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम हेमी गौतम, हाउ मैनी व्यूज डिड योर फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब गेट? अरे उल्टा नहीं लिख दिया थोड़ा, चलो ठीक है, मैं आ तो लसन हूँ, नहीं उल्टा ही लिखा है, अरे भाई साहब. हाँ ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो, इनिशियल वीडियोस पे मेरे आते थे 3 views 5 views फर्स्ट 3 महीने तक. आई थिंक मेरे मैक्सिमम 10-30 views आते थे, बट स्टिल मुझे कंटेंट बनाना एक हॉबी था, अपलोड करना था, मैं कर देता था, मेरे को दिक्कत नहीं थी. फिर उसके बाद तुम्हारा सपोर्ट मिला और आज थोड़ा बहुत तो है यार. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्चिक्स भाई की तरफ से, पहले क्या आया था अंडा या मुर्गी? पहले ये वीडियो आया लाइक कर दो तुम जल्दी से, पहले सब्सक्राइब कर दो, मैंने बोला नहीं है दोनों पार्ट में, जल्दी से लाइक सब्सक्राइब करो भाई. तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अद्वैत गुप्ता 31, व्हाट मेक्स यू एंग्री एंड आल्सो इफ यू कुड चेंज वन थिंग अबाउट योरसेल्फ व्हाट वुड इट बी? देखो एंग्री का तो पता नहीं यार, लेकिन हमको जो चेंज करना है वो मेरा स्लीप स्केड्यूल, जो नहीं हो पा रहा है तो मुझे अच्छा लगे, लेकिन नहीं होगा मुझे पता है. लास्ट 3.5 साल से मैं ट्राई कर रहा हूँ, नहीं हो पा रहा है, लेकिन करना है अभी भी ट्राई, मतलब कोशिश करते रहेंगे, हार नहीं माननी, ठीक है. बाकी एंग्री का तो, एंग्री का क्या बोलूँ यार, वही कभी मैं मतलब अपना स्केड्यूल फॉलो नहीं करता, मैं सोता ऐसे टाइम पे हूँ और उसके बाद सर दर्द होता है तो मुझे खुद पे ही बहुत गुस्सा आता है वैसे, क्योंकि मैं सुबह सो के शाम को उठता हूँ, तो मतलब अंधेरे में सोया अंधेरे में उठा, तो दिन में पूरा सब खत्म कर यार तो वह नहीं सही लगता है मुझे उस टाइम पे. तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ITSNSB, हाउ मच टाइम गोज इनटू एडिटिंग वीडियोस एंड देन द थंबनेल्स? डिपेंड करता है यार अब कितने देर की क्लिप है एंड थंबनेल में कितनी मेहनत डालनी है, जो लोग नहीं डालते हैं, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ, बट इतने अच्छे नहीं बना पाता तब भी, लेकिन स्टिल अराउंड एडिटिंग 1 hour क्लिप इट टेक्स अराउंड 2 hours. अगर मैं मेरी स्पीड पे करूँ तो 3 घंटे वैसे, क्योंकि मैं थोड़ा साथ में टाइम पास करता रहता हूँ, कोई ब्लॉग व्लॉग लगा के साथ में देखता रहता हूँ, एंड बाकी वैसे होने को तो 1.5 hours में भी हो जाए या 1 hour में भी कर देते होंगे लोग, लेकिन 2 hours के आसपास समझ लो. एंड थंबनेल या डिपेंड करता है कि कैसा बनाना है, अगर कुछ नया सीखना है जो मैं इम्प्रोवाइज़ करने के लिए सीखता रहता हूँ न्यू, उसके लिए अराउंड 1.5 hours एवरेज मान लो थंबनेल में टाइम लगाता हूँ भाई मैं. डेफिनेटली इंपॉर्टेंट थिंग है थंबनेल, तो लगाना भी चाहिए. एंड बाकी तर्क भाई हैं हमारे, वो थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं तो अच्छा लगता है भाई. तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द स्पेक्टर्स, व्हाई चोज क्रिकेट गेमिंग टिल 2020? स्कोप वाज सो लिमिटेड, बाय द वे थैंक्स फॉर प्रमोटिंग इट. ये ऑफिशियल स्पेक्टर्स भाई है हमारे केशव भाई, कॉन्ग्रेट्स टू हिम, उनके अभी 500 के हुए हैं. तुम भी कर दो यार कमेंट्स में, वो शायद कमेंट कर देंगे और किसी को रिप्लाई भी दे दे तो बढ़िया है भाई. एंड इन्होंने पूछा है क्रिकेट गेमिंग क्यों चूज़ किया मैंने, वही मैंने इसका आंसर दे दिया यार, दोनों ही पार्ट में दिया आई थिंक. मुझे बचपन से क्रिकेट गेम्स खेलना बहुत पसंद था और मैं बहुत सारे डिफरेंट गेम्स खेलता हूँ भाई. ऐसा नहीं है कि मैं स्ट्रीम नहीं कर रहा तो मैं कुछ नहीं खेलता, मैंने बताया ना PS4 और मेरा स्ट्रीम ID चेक कर लो, मैंने बहुत गेम्स खेल रखे हैं और बहुत गेम्स में स्टिल खेलता भी हूँ भाई. ऐसा नहीं कि स्ट्रीम कर रहा हूँ वही, मैंने बताया ना. तो क्रिकेट गेमिंग बस यही है कि मुझे क्रिकेट तो पहले से ही बहुत ज़्यादा पसंद था एंड मैंने स्ट्रीम करना शुरू किया तो आई गॉट गुड रिस्पॉन्स, एंड कंटेंट बनाना था, मैं करियर मोड शुरू किया तुमको बताया, तो वो है. एंड बाकी 2020 तक स्कोप नहीं था, वो मुझे भी पता है कुछ स्कोप नहीं था. 2020 में आई हैड अराउंड 20K सब्स एंड मैं थोड़े टाइम में सोच रहा था यूट्यूब को पार्ट टाइम ले लूँगा एंड जॉब करूँगा साथ में, लेकिन स्टिल
2020 का एंड वाज वेरी लकी फॉर मी कि कुछ ये यूट्यूब शॉर्ट्स लॉन्च हुआ, उसके बाद थोड़े शॉर्ट्स से मुझे रीच मिली, देन मेरा कंटेंट पुश हुआ एंड टुडे आई एम एट 150K विद इन एन ईयर, मोस्टली ईयर ही हुआ है। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा था मुझे वो, तो उस वजह से मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, तो स्कोप नहीं था, लेकिन अब है आई थिंक, एंड थैंक्स फॉर प्रमोटिंग इट का तो मैं क्या बोलूँ भाई, आपके ज़्यादा सब्सक्राइबर्स, आप हमसे बड़े हो, आपने ज़्यादा प्रमोट किया है, तो हम तो कुछ नहीं उसके सामने, लेकिन स्टिल नो इशूज़ यार, अपने करते रहेंगे साथ में। अभी कॉलैब की बात हुई है लास्ट पार्ट में, आपने जवाब दिया नहीं, कर दो यार कमेंट अगर नहीं किया अभी तक, कर दिया हो तो पता नहीं, ये तो मैं पहले ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वाइपर प्लेस, व्हाट वाज योर एंड योर फैमिली रिएक्शन व्हेन यू गॉट योर फर्स्ट पेमेंट फ्रॉम यूट्यूब एंड आल्सो व्हेन यू रीच 100K? भाई जब मेरी फर्स्ट पेमेंट आई थी इट वाज बैक इन जून 2018 आई थिंक, तब वो यूट्यूब का थ्रेशोल्ड आता है सबको पता है, एंड उस टाइम पे रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा खुश था मैं, और घर वालों को भी काफ़ी अच्छा लगा था कि इतना टाइम दे रहा है कुछ कर रहा है, वैसे फ़र्क नहीं पड़ता उनको ज़्यादा, वो मेरे को कुछ इतना बोलते नहीं थे कि उनको पता था कुछ ना कुछ तो करेगा, तो वही था मैंने वो किया एंड फर्स्ट पेमेंट आई तो काफ़ी बढ़िया लगा। मैं बैंक से निकाल के सीधा मम्मी को दिया था सबसे पहले, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड 100K के टाइम तो भाई अगर तुमने स्ट्रीम नहीं देखी तो आई थिंक नहीं, सिल्वर प्ले बटन अनबॉक्सिंग में मम्मी आई थी स्ट्रीम पर, बाकी 100K के टाइम भी बहुत खुश थे घर वाले एंड मैं भी, मेरा तो लाइफ का बेस्ट मोमेंट अभी तक वो था, मैं बोला भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वंडर गाय 007, YT में फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान्स वही यार, कंटेंट क्रिएशन में खुद को एनहांस करना है और ज़्यादा कंटेंट बनाना है, एंड ब्लॉग्स में काफ़ी इंटरेस्टेड है, दैट्स वाई आर के अनप्लग्ड जाए तुम सब्सक्राइब नहीं करो, 4K करने थे 3K ना हो रहे, चलो 3K करो, सब्सक्राइब करो बेल आइकन के साथ। हाँ, ब्लॉग्स में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो यू गाइज कैन एक्सपेक्ट मोर व्लॉग्स अभी थोड़े टाइम बाद से, जब मेरा स्लीप स्केड्यूल सही हो जाएगा, पता नहीं कब होगा, लेकिन ठीक है व्लॉग्स में भी इंटरेस्ट है, कंटेंट क्रिएशन थोड़ा अपने आपको एनहांस करना है, एंड स्ट्रीम्स तो हम करते ही रहेंगे, वो तो मज़ा आता ही ज़िंदगी में। तो गाइज मैं आंसर देते देते भूल ही गया कि ये मुझे देख रहा था, फिर भी मैं भूल गया कि ये लास्ट ही क्वेश्चन था इस Q&A का, जो मुझे सेंसिबल क्वेश्चन लगे वो मैंने पिक किए एंड आंसर दिए हैं, एंड इसके बाद भी और क्वेश्चंस है तो 200K के लिए कर दो भाई हैशटैग Q&A करके, बाद में अपन मिलते हैं, इसको रखते हैं, हो गए यहाँ पे ख़त्म। तो दैट्स इट फॉर द Q&A सीरीज 150K स्पेशल अप 200K के लिए, हैशटैग Q&A करके इसके नीचे भी कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से सेंसिबल क्वेश्चंस उठाऊंगा, जिनके क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया वही आपके क्वेश्चन मुझे सेंसिबल नहीं लगे, क्योंकि टाइम का तो कुछ नहीं मैंने देखा, तो मुझे थोड़े मैंने बहुत कम क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया है वैसे, नहीं ठीक है, हाँ सेंसिबल नहीं लगे या फिर नहीं ले पाया, सो सॉरी फॉर दैट, नेक्स्ट Q&A में ट्राई करेंगे। सो बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब कर दो भाई, नेक्स्ट वीक शायद ब्लॉग आ रहा है कुछ ना कुछ, फूड या बाहर देखते हैं, चलो बाय।